राजा केशवदास केरल के इतिहास की एक न भूलने लायक हस्ती है। उनका महत्व सिर्फ आलपुरा शहर और बंदरगाह का निर्माण शुरू करने में ही नहीं है। एक योग्य प्रशासक, आयोजक, राजनयिक और युद्ध रणनीतिक होने के कारण उनके द्वारा ट्रावणकोर राज्य को दी गई सेवाएं अनमोल थी। राजा केशवदास ने एक घटनापूर्ण जीवन व्यतीत किया क्योंकि वे एक आभासी अनाथ से ट्रावणकोर के दीवान बने। उनका जन्म विलयमकोटा में कुन्नतूर में केशव पिल्लई के रूप में हुआ था। 12 साल की उम्र में उन्होंने कुलचल बंदरगाह में एक व्यापारी के लिए एक मुनीम के रूप में काम करना शुरू किया। केशव पिल्लई ने मल्लाहों से कई भाषा सीखी जिनसे वे वहाँ मिले थे और उन्हें शाही दरबार में पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि उन्हें गणितीय कौशल और हिंदी का अच्छा ज्ञान था। तब तक वे अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली और डच भाषाओं में भी अच्छी तरह पारंगत हो गए थे। केशव पिल्लई ने बहुत जल्द महाराजा धर्मराजा का दिल जीत लिया और समय बीतने के साथ कमांडर इन चीफ और ट्रावणकोर के एक उच्च पद पर आसीन सरकारी अधिकारी बन गए। सन 1789 में टिप्पू सुल्तान के हमले के समय महाराजा ने युद्ध रणनीति में केशव पिल्लई की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें ट्रावणकोर का दीवान बना दिया। वे दलवा से दीवान के पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। मैसूर के हमले को रोकने में उनकी सफलता की सराहना में ब्रिटिश ने उन्हें राजा का दर्जा दिया। आलपुरा नगर और बंदरगाह के निर्माण का आदेश देकर राजा केशवदास ट्रावणकोर को एक शानदार वाणिज्यिक केंद्र में बदलने में सक्षम हुए। इसके अलावा उन्होंने आलपुरा और अन्य स्थानों पर सड़कें और नहरें भी बनाई। एमसी रोड, जो आज भी केरल का एक मुख्य राजमार्ग है, उनके समय में ही बना था। केशवदास ने ही काली मिर्च और इलायची के व्यवसाय पर सरकार का एकाधिकार स्थापित किया, चाला बाजार को आधुनिक बनाया और श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गोपुरम के निर्माण कार्य की देखरेख की। लेकिन फरवरी सन 1798 में धर्मराजा के गुजरने के साथ उनकी किस्मत बदल गई और अगले साल ही उनकी भी मौत हो गई। कहा जाता है कि शाही दरबार में उनके दुश्मनों ने उन्हें जहर दे दिया था।